हेलो जी हाँ हेलो। जी मैं मोहम्मद यूनुस बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं हाँ बताइए। हाँ कह रहा था, ये आपने जो सबूत दिया था ना कि दीन में जो बिदअत से मुराद जो है, दीन ही बिदअत है, दीन में बिदअत पैदा करना। तो भाई और क्या होगा बिदत, ये बताओ। बिदत आम तौर पे उसी को भाई वो बोलते हैं नया काम ईजाद करना, और दीन इस्लाम में भी उसकी तारीफ पे वो ये है कि दीन में कोई ऐसा काम इंसान स्टार्ट कर दे जो ना मेरे भाई अल्लाह के नबी के दौर में था ना बाद के दौर में था, वो आज के दौर में स्टार्ट कर दिया गया है। कहाँ से आप बोल रहे हैं ये बात? इसका सबूत कहाँ से दे रहे हैं आप? अरे ये अल्लाह के नबी की हदीस है ना मेरे भाई, नसाई शरीफ की ये हदीस तो का अल्लाह नंबर के है नबी की वन हदीस फाइव ही तो सुनाए है। सेवन नाइन अरे भाई नसाई शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 1579। उसमें अल्लाह के नबी ने देखो फरमाया जो सबसे बेहतरीन बात है वो अल्लाह की बात है, और सबसे बेहतरीन जो भाई जो तरीका है वो अल्लाह के नबी का तरीका है। दीन में जी, सबसे बदतरीन जो काम है वो नई नई चीजों का ईजाद करना है, और जो हर नई नहीं चीज जो दीन, ईजाद होती मैं है उसको आपसे बिदत पूछ रहा कहते हूँ, हैं, और हर बिदत का ठिकाना जहन्नम की आग है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, दीन किसे कहते हैं आप? दीन आपने किसे समझा अरे दीन कुरान हदीस है ना। है? अरे भाई दीन कुरान हदीस है, ये क्या बच्चों वाले आप सवाल कर रहे हैं भाई, दीन पढ़े लिखे आप आलिम हैं आए? आप, थोड़े नहीं, आलिमाना अंदाज में बात कीजिए। आप सुन तो लीजिए, पागल से कैसे हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ, दीन अकायद को कहते हैं या आमाल को कहते हैं? क्या चीज दीन? दीन, हाँ, दीन का इतलाक किस पर होता है, अच्छा आमाल भाई पर होता है दीन या जो है ना अकीदे पर वो होता मेरे भाई वो है कुरान हदीस, उसमें से है? ही आप इंसान अकीदा आकस करता है, उसमें से ही मसले मसाइल पे अमल करता है। आपके नजदीक दीन का इतलाक किस पर होता भाई है? हमारा दीन को दीन कुरान से आसमानी सुन्नत दीन कहते है, हैं। जो भी दीन भाई हमारा है, जो भी अकीदा हम लेते हैं भाई वो हम लेते हैं कुरान से हदीस से, जो भी अमल करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस से करते हैं। तो हमारा पूरा दीन जो है वो आसमानी दीन है। अब आपका बाप दादा का दीन होगा, आपके वहाँ अकीदा आप लोग अपने अब इमामों को देख के बनाते हैं। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आप कह रहे हैं हमारा दीन जो है कुरान और हदीस है, ठीक? मैं हाँ तो आपका आपसे दीन क्या है, बाइबल है, ये अब महाभारत सुन है, लीजिए, अब आप तो दीन अपना दीन बनाऊंगा। बताइए। मैं ये कहता हूँ, आपसे सवाल उठता है आपकी गुफ्तगू पर, आप कह रहे हैं कि नहीं असल में आपका, हमारा मूड नहीं, खाली आपसे भाई सुन लीजिए इस ना, बात फिर पे अपसेट आप होता है कि आप दीन लोग जब बनाऊंगा। फोन करते हो खुद ही पूछते रहते हो और मेरे एक भी सवाल नहीं, का मैं जवाब नहीं पूछ देते नहीं हो, रहा ऐसा हूँ, क्यों? किसको आपने चैलेंज किया ना मुनादरे में, वहाँ उसने गुफ्तगू में, तब मैंने चैलेंज अल्लाह किया? पर लात मैंने क्या जी, मैंने फारूक भाई चैलेंज से किया पूछा, था? आप रिकॉर्डिंग सुनिए तो इसे इस टॉपिक पर बिता, पर मैंने कहा ये तो अजीब जाहिलाना बात कर रहा है भाई, तो मैंने पूछा इसके बाद फोन लगाया जाए। तो भाई जब हमने आपसे अभी पूछा था जब अजान होने लगी थी ईशा की कि आपके जो आला हजरत हैं उनके नजदीक बिदत की तारीफ क्या है, आला अभी हजरत को तक आप आपने अभी बताया नहीं नहीं। लाए, आला हजरत को अभी आप नहीं लाए, आप जो टॉपिक चल रहा है उस पर भाई आप बात क्यों कर रहे हैं। माज अल्लाह, आला हजरत को अगर भाई को नहीं लाएंगे तो बरेलवे तो खत्म हो नहीं, जाएगी ना, मैं आपसे क्या बरेलवे बात के कर रहा बानी हूँ, आला आपने हजरत हैं, जो सुनिए, अहमद रजा आप खान साहब, बदतमीजी फाजले से बरेलवी। बात, बीच में गुफ्तगू के अंदर बदतमीजी से करना शुरू ना किया करें आप। जब आपके नजदीक कुरान आला और हजरत हदीस का बोलना जो आपको बदतमीजी मानना है, तो ये सबूत तो है, बदतमीजी तो हर बरेलवी कर रहा है तहज्जुद फिर। की अजान होती है, इसका कहाँ सबूत है कुरान और हदीस में भाई? तहज्जुद अरे भाई तहज्जुद की की अजान नमाज होती पर नहीं होती है, कुरान तो हदीस होती है, में। इसका सबूत दीजिए। आपके मुफ्ती अकमल जो बरेलवी मुफ्ती हैं वो खुद कहते हैं कि तहज्जुद की अजान देना भाई ये सुन्नत है। तो आप सुन्नत मतलब है आप तो लोग आप अपने सबूत बरेलवी आलिमों दीजिए, की क्या आप मानते हो सुन्नत कुछ समझ ही नहीं आता भाई। तो आप सबूत तो दीजिए कम से कम अरे तहज्जुद की आपकी अजान मुफ्ती का ने दे दिया है ना सबूत, है? आपके लिए आपके इमाम मुफ्ती का कॉल उठ जाते तो आपकी मुफ्ती ने तो आपको दे मेरी दिया सबूत? गुफ्तगू आपसे चल रही है, आप अपने मजहब का सबूत देंगे तो नहीं आप तो अपना आप ये बयान बताइए, निकालिए, नहीं हदीसें भी देखिए लाएंगे, देखिए मुझे आंसर हमारे वहाँ देंगे। तो तहज्जुद की अजान अलहमदुल्ला साबित है, ठीक है, कहाँ से साबित है, सुनाइए कहाँ जहाँ से साबित है, जहाँ से आप लोग देखते है? हो कि मोटी मोटी आंखों से कि देखो हरम है? शरीफ में तो 20 रकात तरावी हो रही है, वहीं पे नहीं, रात को तो तहज्जुद की आप अजान होती है और फिर तहज्जुद से का 8 सबूत आप रकात कुरान और नमाज हदीस पढ़ाई है, जाती है। कुरान और हदीस है तो अबू सुनाइए दाऊद की तहज्जुद। हदीस है कि जब बिलाल अजान दे तो तुम सहरी खाना ना छोड़ो, जब उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अनु अजान दे तो सहरी खाना छोड़ दो। तो वो जो तहज्जुद की अजान देते थे ना बिलाल, इसमें ये कहा आई ये बात समझ तहज्जुद की में? अजान है, इसमें ये कहा तहज्जुद की अजान है भाई? अरे उसमें अल्फाज हर जगह थोड़ी ना होता है। अब कल को आप कह दोगे कि मेरे भाई जो ये, अभी मैं आपसे कह अरे दूं भाई भाई, जो सहरी ये कैसी जो करने आप को, लोग कूना भाई मनाते हो सहरी कूंडे का कैसी अल्फाज कहते हैं, दिखाओ। रोजे की रखी जाती है नहीं भाई, नहीं सहरी आप ये कैसी बताइए कही जाती है, कूंडे सहरी का तो अल्फाज इस्लाम है की किसी सबूत हदीस में? है। भाई जो कूंडा मनाते हैं, 11वीं मनाते हैं, ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, इसका अल्फाज है कुरान हदीस में? अरे इसका सबूत तो है, अल्हम्दुलिल्लाह दिया जाएगा, नहीं लेकिन अल्फाज जो है इसका, गुफ्तगू है, अल्फाज हाँ मौजूद सबूत है। है, फातिहा का, ईद मिलाद अरे नबी का सबूत सब हम नहीं सबूत पूछ है। रहे, फातिया में भी फातिया का अल्फाज है।
आपने अल्फाज हमसे मांगा ना तहज्जुद का, तो हम आपसे फातिया की हदीस में फातिया का अल्फाज आपसे मांगे? आप इसकी इतना सुनाइए जो आपने तहज्जुद किया भाई। फिर वही चीज देखिए, आपने पहले हमसे कहा था कि मैं एक आलिम हूँ, तो मैंने सोचा था भाई आप आलिम है तो आलिमाना अंदाज में बात करेंगे, आप तो जाहिलाना अंदाज से बात कर रहे हैं। भाई तहज्जुद का आपको अल्फाज चाहिए? ये मतलब जो ये उसूल है ये कौन सा? आपको हर चीज का अल्फाज चाहिए? कल को कह देंगे बिरयानी का अल्फाज दिखाओ कुरान में, तो मेरे भाई बिरयानी का अल्फाज हम थोड़ी ना आपको दिखा पाएंगे। ये आप नई नई बिदअत है, आपको मदरसे में उसूल हदीस पढ़ाया जाता है, ये तहज्जुद की अजान देना बिदअत है? माजल्ला अस्तगफुरुल्ला, यानी कि आपके जो मेरे भाई जो मुफ्ती अकमल हैं वो सबसे बड़े बिदअती हैं जिन्होंने तहज्जुद की अजान को बोल दिया सुन्नत है। आप हमें किताब से सबूत देंगे, मुफ्ती अकमल से सबूत देंगे? तो आप बोल दीजिए कि जो ये है मुफ्ती अकमल वो जाहिल हैं और उनका हमारे मसलक से कोई लेना देना नहीं है। मुफ्ती अकमल को मैं जानता भी नहीं हूँ, आप उनका सबूत ही ना। अरे पाकिस्तान के बहुत बड़े मुफ्ती हैं मुफ्ती अकमल, उनका मेरे भाई QTG के ऊपर प्रोग्राम आता है। कितने बड़े मुफ्ती? भाई बरेलवी लोग आपकी ऑडियो को सुनेंगे तो आपके मुंह पे थूकेंगे कि आप मेरे भाई इतने बड़े मुफ्ती की तौहीन कर रहे हैं। सबूत के लिए सारी बरेलवियत में वही एक ऐसा बंदा है जो बिल्कुल तमीज से बात करता है, कोई 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 गाली गलौज नहीं करता। आप सबूत देंगे? आप कुरान वादी की दलील देंगे? मुफ्ती अकमल को सबूत देंगे? अरे आपके मेरे भाई मसलक में इमाम का कौल हुज्जत है, कुरान हदीस हुज्जत नहीं है, तो मैं क्या करूँ? अरे हजरत इमाम है, आपने कैसी बात कर दी है कि भाई आप जाहिल है? मैं क्यों आपको कह रहा हूँ पूछिए क्यों? क्योंकि आपने अपनी जो जाल हक है उसको नहीं पढ़ा। आपके जाल हक उसके हिस्सा नंबर 2 और सफा नंबर 437 उतरा हुआ है कि जो जो मुकल्लिद है उसके लिए इमाम का कॉल उज्जत है। तो मैं आपके आपके मसलक के जो मुफ्ती है मैं उनका कॉल पेश कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब आपने भाई वो जाल हक मानने से इनकार कर दिया? इमाम आजम का पेश करोगे? आलिम जाहिल आदमी हो तुम तो कैसे मुनाजरे करोगे? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, यही बात पे मैं लाना चाह रहा था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर मसले पे इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्ला का कॉल आप मानते हैं ना, तो रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाने से रोजा टूटता है कि नहीं, इस पे आप अपने इमाम का कॉल पेश कीजिए अबू हनीफा का। अरे भाई आपने पहले रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाने से इंसान का रोजा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इससे आपके इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला का कोई कॉल मौजूद नहीं है, क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला के दौर में जो इंजेक्शन था वो मौजूद ही नहीं था। इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला के दौर में इंजेक्शन भाई को मौजूद ही नहीं था। अब आप आज के मुफ्तियों की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, कुरान इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला से इंजेक्शन का मसला ये साबित नहीं है, तो आज के आलिमों की आप बात मानोगे कि नहीं? भाई अब आप बुरी तरह फंस गए, अब आप ऐसा फंसे हैं कि अब आपको कोई मेरे भाई निकाल नहीं सकता। आप अपने तकलीद के जाल में फंस चुके हैं, आप अपने तकलीद के जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि आपने कहा कि हम इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला के कॉल को मानते हैं, आज के मुफ्तियों को नहीं मानते। तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला का आज के दौर में रोजे की हालत में इंजेक्शन लेना है कि नहीं लेना है, इसके ऊपर कोई कॉल मौजूद नहीं है। आज के मुफ्तियों की आप मानते हैं कि नहीं? उसूल से बात करें पहले। हाँ चलिए उसूल, अब आप चलिए उसूल आपने जो बनाया है इंशाल्लाह आपके बनाए हुए उसूल पे बात करते हैं। आपने फरमाया कि हम इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला के कॉल को मानेंगे, आज के मुफ्ती को नहीं मानेंगे, तो आज के मुफ्तियों का कॉल आप क्यों मानते हैं इंजेक्शन के मामले में? इंजेक्शन के मामले में आपने इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला का कॉल देखा? अरे भाई बेदात की बात चल रही है ना, तो आप बेदात। अरे तो आपने झूठ क्यों बोला मेरे भाई? एक जगह से फंसते हो तो दूसरी जगह भाग जाते हो, झूठ बोलना बंद कर दो भाई। अरे बेदात की बात चल रही है, भाग तो मैं तुम तकलीफ भाई भाग आप रहे हैं, ऑडियो भी आवाम के बीच में जाएगी, वो खुद फैसला कर लेगी कि एक तरफ आप कहते हैं हम इमाम अबू हनीफा की मानते हैं, आज के मुफ्तियों का हमारा कोई लेना देना नहीं है, और जब आज के मुफ्तियों का कॉल इंजेक्शन के मामले में है उससे इमाम अबू हनीफा का कोई लेना देना नहीं है, तो आप खुद ही अपनी जान में अटक गए। चलिए भाई हम आपका फोन काट रहे हैं, हमको लग रहा है आप खाली अकेले बोलना जानते हैं, सामने वाले की सुनना आप नहीं जानते, सामने वाले की आप नहीं सुन पाएंगे। आप एक बिदअती, अच्छे बिदअती, ठीक है, आप अच्छी बिदत कीजिए, अच्छी बिदत करने वाला अच्छा बिदती बनिए, अहले सुन्नत आप कभी नहीं बन सकते, क्योंकि अहले सुन्नत ना अच्छी बिदत करता है ना बुरी बिदत करता है ना काली बिदत करता है ना पीली बिदत करता है। अहले सुन्नत काली सुन्नत पे अमल करता है, बिदत नहीं करता है, लेकिन बरेलवी जो है वो अच्छी बिदत करने वाले अच्छे बिदती है। बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका।
अच्छा बिदती सलाम अलैका, तू नीला भी सलाम अलैका।